खबर पश्चिमी चंपारण से है, जहां जिले के सभी लोगों को भारी जाम से निजात मिलेगी। चंपारण रेंज के डीआईजी और बगहा एसपी ने ट्रैफिक थाना का उद्घाटन किया है। इस दौरान 161 पुलिस पदाधिकारियों की तैनाती की गई। बेतिया के साथ बगहा में पुलिस जिला वासियों को अब जाम से निजात मिलने वाला है। बेतिया में चंपारण रेंज के डीआईजी जयंत कांत एवं एसपीजी अमृकेश ने बुधवार को शहर के बीच बीच स्थित महिला थाना के पुराने परिसर में फीता काट यातायात थाना का उद्घाटन किया। वहीं बगहा में बगहा पुलिस अधीक्षक किरण कुमार गौरव जाधव ने किया। बहुत गर्व का क्षण है कि आज बेतिया में यातायात थाने का उद्घाटन एसपी बेतिया के द्वारा और हम सभी की उपस्थिति में हुआ है। इस अवसर पर आज ये पहला दिन है थाने का और इसका जो बेतिया थाना है, यातायात थाना है, इसका क्षेत्र पूरा संपूर्ण जिला रहेगा और सबसे जो महत्वपूर्ण दायित्व जो ट्रैफिक से होने वाली जो आए आम दिन की परेशानियां हैं उससे निजात पाने में इस बारे में बहुत मदद मिलेगी। इसके अलावा जो ट्रैफिक रूल्स हैं उनका जो वायलेशन होता है या उनको पूरी तरीके से जो पालन करना है उसमें इस थाने से काफ़ी से मदद मिलेगी। आने वाले समय भी जो है अभी बहुत से फेस्टिवल्स हैं जिसमें जाम की वजह से कभी आने परेशानी को लोगों को जूझना पड़ता है। हम लोग को पूरी उम्मीद है कि थाना अपने दायित्व है पूरा करने में सफल। उनको छोड़ दीजिए सर से। और सब इंस्पेक्टर कौन है? कौन है? वीडियो लिया है।